नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रथम चरण में 31,661 पदों के सापेक्ष जनपद बरेली को आवंटित 712 पदों पर अभ्यर्थियों की दिनांक 14/10/2020 एवं 15/10/2020 को आयोजित काउंसलिंग हेतु कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से प्राप्त 448 पुरुष अभ्यर्थियों की सूची। तो यहाँ पे ये मेल कैंडिडेट हैं टोटल। यहाँ पे राम प्रकाश सिंह पहले नंबर पे हैं, तो सीरियल नंबर, फिर नाम, फिर फादर नेम, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जेंडर, इसके बाद गुणांक और अलाउ डिस्ट्रिक्ट। तो ये है बरेली की चयन लिस्ट। तो गुणांक गया है पहले नंबर पे ओबीसी का 96.95 यानी 95.95। उसके बाद दूसरे स्थान पे भी ओबीसी कैंडिडेट 94.59। तीसरे स्थान पे भी ओबीसी मेल ही है 93.56। आपको याद दिला दें कि जो चयनित लिस्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट की मिल नहीं रही है, जिस हिसाब से लिस्ट मिल जा रही है उस हिसाब से हम अपलोड करते चले जा रहे हैं। हमारा प्रयास है आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के चयनित मदर लिस्ट उपलब्ध कराना। तो आइए यहाँ पे सातवें नंबर पे मनोज कुमार मेल 91.77। आप वीडियो को रोक करके भी इस गुणांक को देख सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे स्क्रॉल करके हम वीडियो को ऊपर बढ़ा रहे हैं। 20 पे सुनील पाल 89.60 ओबीसी कैंडिडेट। वहीं 16 नंबर पे जनरल का स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले टोटल लिस्ट में यहाँ पे देखिए ओबीसी 5वें रैंक तक थे, उसके बाद 6वें रैंक से जनरल का शुरुआत हुआ है 92.42, फिर जनरल 7वें स्थान पे 91.77, उसके बाद फिर टोटल ओबीसी कैंडिडेट है 15 रैंक तक जिसमें 90.65। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर पे फिर जनरल कैंडिडेट 90.42 ताजीम अहमद। उसके बाद नीचे आने पर 23वें नंबर पे जो गुणांक है ओबीसी का 89.10 गिरा हुआ है, यानी कि 28वें स्थान पर सुनील सत्यपाल हैं 88.66 ओबीसी कैंडिडेट, ये गुणांक है। और टोटल 14 पेज की ये पीडीएफ लिस्ट बनी हुई है जहां पर दूसरे पेज पर हम 34वें नंबर पे देख लेंगे तो ओबीसी कैंडिडेट गुणांक 88.34। वहीं 83वें स्थान पे 87.96 ओबीसी कैंडिडेट। ये है बरेली जनपद का चयनित मदर लिस्ट। 57वें स्थान पे कट ऑफ गुणांक जो है 87.13। इससे पहले आजमगढ़ जनपद का टोटल पीडीएफ 2 फाइल अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर सीटें लगभग 1500 थी 69,000 में, लेकिन 1300 सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, यानी 88% से ज़्यादा सीटें फुल कर दी गई है। 76 रैंक यहाँ पर 86.30 गुणांक गया है। 85 पे राम मोहन राठौर 86.06 गुणांक पे चयनित हैं। तिलक राम एससी कैटेगरी में मेल में है, गुणांक है 85.93, हाई गुणांक बरेली में फिलहाल अभी चल रहा है। नीचे जाने पे चौथे पेज पे जो सीरियल है 100 पे, वहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट का गुणांक 85.50 पे पहुँचा है। इस हिसाब से ओबीसी कैंडिडेट 111 पे 84.68। आप बीच बीच में पीडीएफ रोककर भी देख सकते हैं। ऋषि कुमार 120 पे 84.34, 131 पे चंद्रपाल हैं 83.93।
133वें, मेल कैंडिडेट ओबीसी 83.75, 144वें राकेश कुमार का चयन हुआ है 82.09 एससी कास्ट में। उसके बाद 152 पे आएंगे तो गौरव गुप्ता जनरल 80.80 पर चयनित हैं बरेली जनपद में। फिर नीचे विपिन कुमार हैं मेल 78.43, पुरुष अभ्यर्थियों की ये सूची बरेली जनपद में जो कि काउंसलिंग के दौरान प्राप्त किया गया। 182 पे 78.58 गुणांक चल रहा है। नीचे की ओर गुणांक अब ऋतिक मौर्य ओबीसी 75.90, अंकिता यादव 199 पे, मेल 75.76, रवि कुमार 208 पे मेल 74.93, अंकित गुप्ता 218 पे मेल 74.43, नीरज कुमार 228 पे मेल एससी कैटेगरी के 73.89 गुणांक। यहाँ पे जनरल गुणांक 234 पे 73.64, बुद्धपाल मेल 73.37 ओबीसी कैंडिडेट, अवधेश गंगवार मेल 72.99 ओबीसी कैंडिडेट। सुशील कुमार एससी कास्ट 72.83 पर चयनित हैं। गोविंद पांडे शिवकुमार पांडे जनरल मेल 72.58 पे चयन है इनका। मुकेश कुमार 293 पे चयनित हैं मेल में 72.25। पेज नंबर 9 चल रहा है। 298 पे मेल ओबीसी 72.02, अरुण कुमार गंगवार 307 रैंक सीरियल नंबर पे 71.88, और प्रमोद कुमार 71.54 गुणांक पर। पेज नंबर 10, 14 पेजों में अब 11वें पेज पर चला जा रहा है। 331 पर रिंकू कुमार ओबीसी में चयनित हैं 68.90 पे। संजीव कुमार मेल में 68.68, यानी अब गुणांक गिरता हुआ नीचे जा रहा है, यानी लो मेरिट पर जो चयनित हुए हैं। अमित गंगवार 68.54 पे चयनित हैं। दीन दयाल मेल 68.48 ओबीसी। गिरीश कुमार मेल ओबीसी 68.27 पे चयनित हैं। आप पीडीएफ को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेजी से इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा है ताकि आप सभी गुणांकों को आसानी से देख सकें। सुनील कुमार 407 पे 66.39, और अब एससी कैटेगरी का 418 पे जो चयनित है 65.69, वहीं 420 से एसटी
मेल 65.62 से चयनित हैं, राहुल दास मेल 65.55, फिर कमलदीप 65.11, रामलखन 438 मेल 64.72, ये था 14 पेज का ट्विटर बरेली का पीडीएफ। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि आपको बेस्ट नोटिफिकेशन के साथ साथ न्यूज़ भी मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।